के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सरकार के विजन का आईना होता है और 138 बिंदुओं में महामहिम राज्यपाल महोदय ने सरकार की बातों को सदन में रखा। कृषि, चिकित्सा, कोरोना, अल्पसंख्यक, जनजाति, अनुसूचित जाति वर्ग सहित कई बातों में मुद्दों को लेकर अभिभाषण में सरकार का पक्ष रखा गया। महोदय, कोविड के संकट में केवल मानव जाति ही प्रभावित नहीं हुई है बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है। राज्य में सरकार ने कोरोना नियंत्रण को लेकर बहुत अच्छे प्रयास किए मगर संक्रमित रोगियों की संख्या के अनुपात में आइसोलेशन बेड और आईसीयू बेड की व्यवस्था सरकार प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाई। आज हेल्थ सेंटर को बहुत मजबूत करने की आवश्यकता है और सरकार ने एक विजन दिया था पिछले बजट में निरोगी राजस्थान का। निरोगी राजस्थान अभियान की बहुत बढ़ चढ़ कर बढ़ाई की, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आज भी हमारे अधिकतर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर CBC जांच की मशीनें तक उपलब्ध नहीं है। हमारे सब सेंटर पर ANM नहीं है। हमारे स्वास्थ्य संस्थानों में नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों की कमी है। ऐसे में अभिभाषण के माध्यम से इस बात को सरकार को रखने की ज़रूरत थी मगर सरकार ने ऐसा कोई रोड मैप नहीं बताया जिसमें यह तय हो कि कितने समय में राजस्थान के सरकारी चिकित्सा संस्थानों में रिक्त पड़े पदों को भर लिया जाएगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान महामहिम राज्यपाल के भाषण के पॉइंट 11 की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जिसके अंदर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कोरोना वॉरियर्स, जिसमें सभी सरकारी कर्मचारी एवं सभी संविदा कर्मचारी शामिल हैं, कि ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर उनके परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। लेकिन सरकार ने इसके बारे में बहुत सारे जो विभाग हैं उनके कर्मचारी अधिकारी कोरोना से ड्यूटी के दौरान संक्रमित होकर काल कवलित हुए, उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन किसी भी विभाग के अंदर किसी भी कर्मचारी को अभी तक 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता नहीं दी गई। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि अभिभाषण के माध्यम से किसान कल्याण कोष की जो घोषणा की गई, मैं ये बताना चाहता हूँ प्राकृतिक आपदाओं समय सरकार बड़े बड़े वादा करती है और सर्वे भी करवाती है मगर सर्वे के आधार पर आज तक न तो पूरे किसानों को मुआवजा मिला और ना ही सर्वे सही रूप से हो पाता है। ऐसे में किसानों को अनुदान का भुगतान नहीं मिल पाने के कारण किसानों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, कोविड के संकट में जहाँ सारे सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुए वहीं कृषि सत्र ने राज्य और देश की इकोनॉमी को सबल दिया मगर दुर्भाग्य है लॉकडाउन के अड़ते ही राज्य सरकार ने जोधपुर सहित राजस्थान के अंदर सरकार किसानों के बिल माफ़ करने कहेंगे उल्टा किसानों के जो सब्सिडी दी जा रही थी उसको बंद कर दी
और किसानों को परेशान करने के लिए राजस्थान के अंदर ताबड़तोड़ VCR बनने के आदेश जारी कर दिए। 335 उपभोक्ताओं व किसानों को VCR के नाम पर शोषण किया जा रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे तुगलकी फरमान जारी नहीं करें जिसने अन्नदाताओं को समस्या का सामना करना पड़े। राजस्थान के किसान कड़ाके की ठंड में है, रात को बिजली मिलने के कारण मजबूरी में है, उन्हें रात में सिंचाई करनी पड़ती है, जबकि पिछले बजट में सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि पिछले बजट के अंदर सरकार ने 600 पावर ट्रांसफार्मर 33 के भी GSS पर अतिरिक्त लगाने की घोषणा की गई थी, मगर इस दिशा में किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है। ऊपर से सरकार ने सब्सिडी भी सरकार की बंद कर दी किसानों की, साथ ही सिंगल फेज बिजली जो घरेलू उपभोक्ताओं को मिलती है उसको भी सरकार ने पिछले बजट के अंदर 24 घंटे सप्लाई देने की घोषणा की थी, लेकिन वो 10 से 12 घंटा बड़ी मुश्किल से बार बार ट्रिपिंग से जूझते हुए मिल रही है। सरकार का मकसद ऐसा लग रहा है कि लोगों को बिजली उपलब्ध करवाने से ज़्यादा VCR भर के किसानों को तंग करना, ऐसा सरकार की मंशा जाहिर हो रही है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्राप्त होने के बावजूद राज्य सरकार प्रभावी रूप से इस योजनाओं को शुरू नहीं कर पा रही है, कई जगहों पर टेंडर तक नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में घर घर जल पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई इस योजना को राज्य सरकार किसी तरह सफल रूप से लागू करने में नाकाम रही। इस विषय में अभिभाषण में भी कुछ भी नहीं कहा गया। महोदय, यही सब लोग कहते हैं कि जहाँ की सड़कें अच्छी होती हैं वहाँ अन्य कार्य और विकास के कार्य भी जल्दी होते हैं, मगर दुर्भाग्य की बात है पिछले 2 वर्षों में राजस्थान की सड़क के नाम पर, मैं मेरे विधानसभा की बात करता हूँ, सड़क के नाम पर 1 रुपया भी सरकार ने वहाँ नहीं लगाया है। न सड़क जो अधूरी है, लिंक रोड है, उनमें उसके अंदर भी किसी तरह की प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है, न किसी तरह का कोई बजट दिया गया है। क्षेत्र में सड़क तंत्र को और मजबूत करने की दिशा में कोई भी प्रभावी कार्य नहीं किया गया है। इसका नतीजा ये रहा है आज की सड़कों की हालत बहुत खराब है। हमारा राजस्थान देश के 25% से अधिक क्रूड ऑयल का उत्पादन करता है, इसके बावजूद प्रदेश की सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर कोई नियंत्रण के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किया है। और अन्य राज्यों की तुलना में बात करें तो हमारे राज्य में स्टेट गवर्नमेंट का पेट्रोल डीजल टैक्स बहुत ज़्यादा है, जिससे जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में अपने जाकर आशा संगिनियों ने आंदोलन किया था, सरकार ने उन पर मुकदमा दर्ज करके आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। जो भी कभी बेरोजगारों पर लाठी चलाकर उनके आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया, मैं सरकार को, सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि पुलिस को ढाल बनाकर खुद का बचाव करना लोकतंत्र में सुनी हुई सरकार को शोभा नहीं देता है। जो भी युवा बेरोजगार हैं जिनको बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिल रहा है, और साथ ही सरकार जो भी वैकेंसी की विज्ञप्ति जारी करती है उसमें न समय पर परीक्षाएं हो रही है, और अगर परीक्षा हो गई है तो 1.5-2 साल तक उसका रिजल्ट आउट नहीं हो रहा है, और 2 साल बाद रिजल्ट आउट भी हो गया तो उस पर कोर्ट का स्टे आ जाता है। तो मैं समझता हूँ ये जो सिस्टम बना रखा है, इस सिस्टम में कहीं कहीं राजस्थान सरकार के प्रशासनिक उस सिस्टम में खामी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा ऐसे सिस्टम में सुधार करें ताकि बेरोजगार के साथ में न्याय हो। अभी
काफ़ी दिनों से चर्चा चली है। श्रीमान राहुल जी, राहुल गांधी जी राजस्थान का दौरा करने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले मैं आपके माध्यम से सरकार से और उनके पूछना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर राहुल गांधी जी का एक वादा चल रहा है, जिस वादे को उन्होंने सुरापुरा राजस्थान के किसानों के साथ में किया था कि किसान का संपूर्ण कर्ज माफी 10 दिन के अंदर कर दी जाएगी। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूँगा कि उस वादे को याद करते हुए राजस्थान के किसानों को संपूर्ण कर्ज माफी दी जाए, जिससे किसान लगातार आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं, उनसे बचाया जा सके। कम समय में कम से कम किसानों की कर्ज माफी जो वादा है कांग्रेस की सरकार ने किया, वह कब तक पूरा करेगी, ये मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। श्रीमती शकुंतला जी,